नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अभी ITR फिल जो करते हैं लोग, इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है वो जो फिल करने का है, जो सबसे आसान तरीका मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जब आपका TDS कट रहा हो, और जैसे कि यदि कोई सैलरी बेस्ड है या सैलरी बेस्ड नहीं भी है, यदि सैलरी बेस्ड नहीं है बेसिकली उस वो भी आप इसके ITR फिलिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास नॉर्मल पैन कार्ड भी है तो भी आप ITR फिलिंग कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जिसमें जीरो डिडक्शन पे आप ITR फिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं कि आपको कंपलसरी करना है, और ये नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है। बट यदि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो आप ITR फिल करें, इससे बेहतर होगा कि यदि आपका कोई TDS कटता हो या TDS कटा हो, आपके यदि कोई भी इनकम ऑफ सोर्स होता है आपके पास, यदि TDS कटता है तो वो जो टैक्स आपके कट रहे हैं वो वापस आपको मिलते हैं इन द अमाउंट ऑफ, यदि आप कोई कैटेगराइज जो है सर जो इनकम टैक्स के रिलेटेड, यदि आप कैटेगराइज फुलफिलमेंट करते हैं या कोई आपका जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपका TDS कटता है, या कोई आपका इनकम ऑफ सोर्स है तो उससे TDS आपका कटता है। जो अमाउंट TDS में जा रहा है वही अमाउंट आपको ITR फिलिंग करके वापस मिलते हैं। तो आपको ये मैं जो इस वीडियो में पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल आप जो जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 मिनट में, बिल्कुल 5 मिनट में, बट इससे 2-4-10 मिनट आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोसेस बाई प्रोसेस पूरी तरह से बताऊंगा। लेकिन आपको एक बार जब जानकारी हो जाएगी ना, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे ये प्रोसेस को। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत या खुद व खुद कहीं भी किसी CA या किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो मैं आपको बस जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वो आप पूरी तरह से वन बाय वन जरूरी ध्यान देकर ही आप इसको आगे फॉलो करें। और फ्रेंड, ये जरूर ध्यान रखें कि कोई स्किप मत करें इसमें, क्योंकि हर प्रोसेस या हर स्टेप्स में आपको ये जानकारी पूरी वीडियो में ही दिया जाएगा। ITR फिलिंग करने से पहले आपको पहले तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो आपके पास ही भी मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो, और बैंक डिटेल, आपके पास बैंक डिटेल जो पैसे वापस आएंगे आपके अकाउंट में वो बैंक डिटेल होना चाहिए, जैसा कि IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर। अब चलते हैं फ्रेंड, मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि वो फिल कैसे करेंगे। आपको फिल करने के लिए ऑप्शन है कि पहले आप तो गूगल पे जाएं, गूगल पे लिखें इनकम टैक्स। जैसे ही आप इनकम टैक्स लिखते हैं आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट ये लिखा हुआ है होम इनकम टैक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं URL भी है, incometax.gov.in। इस पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट पे। आप देख सकते हैं ITR फिल जो भी वन है, ITR फिल वन कर सकते हैं इसमें। तो आपको यही फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है फ्रेंड इसमें। यदि मैं आपको बता दूं जानकारी कि यदि आप कर इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है। यदि आप इसमें पहले रजिस्टर कर चुके हैं, रजिस्टर मतलब आपने ITR फाइल नहीं किया है कभी, बट आपका ये इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपका है इनकम टैक्स में, इसमें आपका रजिस्टर है पैन कार्ड से, तो आपको करना क्या पड़ेगा इसमें कि पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन लिखा हुआ है या रजिस्टर लिखा हुआ है। आप दोनों में से यदि आपका लॉगिन है, लॉगिन मतलब आपके पास ID पासवर्ड है, ID तो है जो आपका पैन कार्ड होता है, वही पैन कार्ड का नंबर ही ID है, एक पासवर्ड जो खुद जनरेट आप करते हैं। और दूसरी बात है कि ये आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं शुरू से पूरा प्रोसेस बता रहा था, तो इसका मतलब मैं रजिस्टर ही करके दिखाऊंगा आपको। रजिस्टर करने के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं आप अपने पैन कार्ड को ITR फिलिंग करने के लिए, या पैन कार्ड को रजिस्टर कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स में, तो ये आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, आपको स्क्रीन पे दिखता है यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर या अदर्स। आपको टैक्स पेयर करना है क्योंकि आपने आपका TDS कटा हो या टैक्स कट रहा हो उस पर आपको जो अमाउंट है वो वापस आपको चाहिए, तो इसमें टैक्स पेयर के क्लिक करेंगे। इसमें टैक्स पेयर पे क्लिक करते हैं, आपको पैन कार्ड जो नीचे लिखा हुआ है, पैन कार्ड जो आपका नंबर है, पैन कार्ड नंबर आप डाल दें इसमें, डाल करके वैलिडेट ऑप्शन लिखा होता है, वैलिडेट पे आप क्लिक कर दें। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ लिखा आ जाता है पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, आप प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। इंडिविजुअल ही होना चाहिए, इंडिविजुअल है आप टैक्स पेयर हैं, मतलब आप खुद कर रहे हैं, अपना खुद का कर रहे हैं, तो यस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक कर दिया आपने, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, इस तरह का आपके पास स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपका पैन कार्ड डिटेल रहेगा,
और इसमें आपका मोबाइल, आपका लास्ट नेम फिलअप करना है फ्रेंड इसमें, उसके बाद फर्स्ट नेम फिलअप करना है। इसको एकदम पूरी तरह से ध्यान में रखना है फ्रेंड कि जो भी स्टार मार्क बने होते हैं उस पे आपको वो फिलअप करना जरूरी है। दूसरी बात है कि लास्ट टाइम बहुत सारे कभी गलती होती है कि फर्स्ट टाइम नाम सोच करके हम फिल कर देते हैं और लास्ट नेम यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो ये गलती ना हो, याद रहे पहले आपको लास्ट नेम फिलअप करना है फिर फर्स्ट नेम फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपडेट करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से सेलेक्ट करें, आप जेंडर सेलेक्ट करें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको रेसिडेंशियल डालना है फ्रेंड, क्योंकि आप इंडिया से हैं तो रेसिडेंशियल ही आप फिलअप कर देते हैं, रेसिडेंट पे क्लिक कर दें। इसमें जैसे ही सबमिट करके आप कंटिन्यू जो बटन है, आप कंटिन्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का आपको स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाता है, जैसे कि आपका मतलब गेट स्टार्टेड तो हो चुका है, आपका जो डिटेल सारे फिलअप हो चुके हैं जो बेसिक डिटेल थी, बट आपको जो फुल डिटेल है वो यहाँ पे फिल डिटेल पूरी तरह से भरी जाएगी, जिसमें यह है कि आपका जो बेसिक डिटेल था वो फिलअप हो चुका है, टिक मार्क लगा हो चुका है, कॉन्टेक्ट जो है आपको डिटेल है इसमें, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आप अपना वही कोई भी डाल सकते हैं फ्रेंड, इसमें कोई भी जरूरी नहीं कि आपका आधार कार्ड में जो है वही फिलअप करें, लेकिन प्रिफर्ड है कि यदि आपके पास आधार कार्ड में जो नंबर है वो आपके पास है तो वही आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। प्राइमरी मोबाइल बिलोंग्स टू इसमें सेल्फ, इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं क्लिक करते हैं तो इसमें आता है मदर फादर ब्रदर सिस्टर वाइफ हस्बैंड, और उसके बाद यहाँ रिलेटिव तक के भी ऑप्शन आते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका वही फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड में, आधार कार्ड का नंबर मैं बताऊंगा कब ज़रूरत पड़ती है, जब OTP आपके पास जाएगी तब, तो आपको यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर कोई भी डाल करके सेल्फ हो, या जैसे मैंने अपना मेरा आधार कार्ड नंबर था तो मैंने यही आधार कार्ड नंबर अपना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर था वही मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाला है, उसके बाद मैंने सेल्फ पे क्लिक किया है। सेल्फ सेलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी डाला है फ्रेंड, ईमेल आईडी भी जरूरी है आपका, तो ईमेल आईडी मैंने बिलोंग्स टू इसमें भी यही आता है कि आप सेल्फ है या कोई आपका फैमिली में है किसी का मेंबर का या रिलेटिव का है वो फिलअप कर दें फ्रेंड। जैसे ही फिलअप आप मोबाइल अपना ईमेल आईडी कंफर्म करते हैं या बिलोंग्स टू आप सेलेक्ट करते हैं, इस तरह का नीचे भी विंडो होता है, आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये ऑप्शन आता है जिसमें आपको कंट्री, तो बेसिकली आप इंडिया पे ही क्लिक करेंगे, यदि बाहर का है तो नॉन रेसिडेंशियल पे यदि क्लिक करते तब, तो रेसिडेंट है तो ये आप इंडिया पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जो फिलअप करनी है, तो जो स्टार मार्क है वहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ते हैं, जैसे ही पिन कोड डालते हैं ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ स्टेट सिलेक्टेड हो जाता है। अब आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हो या एरिया लोकेलिटी हो टाउन हो, यहाँ पे एक डुंगली जो आपके पास है जो आपको मालूम है आधार कार्ड में जो दिया हुआ है वही सेलेक्ट करें फ्रेंड, इसमें तो आपको वही डालना है डिटेल जो आधार कार्ड में है। यहाँ पे कंटिन्यू जो बटन है आपके कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर दें, जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड आपके पास इस तरह का एक जो आपके जो मोबाइल नंबर अभी आपने फिलअप किया था इसमें जो मोबाइल नंबर आपने दिया था इस मोबाइल नंबर पे आपके पास OTP जा सकता है। तो देखो पासवर्ड OTP आपके मोबाइल नंबर पे गया है और वो मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी गया है, तो आप अपना मोबाइल ईमेल जो मोबाइल नंबर पे गया है OTP वो और ईमेल आईडी पे गया है वो, जैसे ही आप डालते हैं यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो हाईलाइटेड हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है तो आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास। ऑप्शन क्या आता है इसमें, ये यही कि आपके पास सारा डिटेल आपने फिलअप किया था, जो डिटेल आपने फिल किया था वही आपका डिटेल यहाँ पे दिखेगा, फिर आपको कंफर्म पे ही क्लिक करना है, कंफर्म पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो ये तीन चीज़ आपका पूरा हो चुका है फ्रेंड, गेट स्टार्टेड जो आपने रजिस्टर किया था, फिल डिटेल जो आपने मोबाइल नंबर या कुछ डिटेल फिलअप किया था, वेरीफाइड डिटेल आपने जो डिटेल वेरीफाई OTP के थ्रू वेरीफाई कर दिया है। अब आपको फ्रेंड रजिस्टर कर रहे हैं तो एक और चीज़ बच गया है जो कि आपका सिक्योर योर अकाउंट मतलब पासवर्ड के थ्रू ही सिक्योर कर सकते हैं, तो पासवर्ड आपका यहाँ पे फ्रेंड आपको कैपिटल स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर हो और आपका एक डिजिट हो नंबर हो नंबर, तो यहाँ पे आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको एक हाईलाइटेड डिटेल डालनी है, डिटेल मतलब यही है कि आप जो एक सिक्योर कोड डालें जैसे कि माय फादर नेम इज़ ये, तो या कोई भी आप डिटेल डाल सकते हैं माय ब्रदर नाम नेम इज़ ये, माय फ्रेंड माय चाइल्डहुड फ्रेंड नेम इज़ ये, बट याद रहे कुछ कैरेक्टर लिमिट होता है तो वही लिमिट के अंदर में आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है आई लव माई फैमिली, तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बार बार ये दिखाया जाएगा कि आपका ये एक कोड आपने सिक्योर डाला है। जैसे ही क्लिक करके आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड आपका ये रजिस्टर ये डेस्कटॉप पे आपके पास स्क्रीन में दिख जाता है कि ये हो चुका है आपका ITR फिलिंग हो चुका है। तो
तो सारा डिटेल आपका दिख चुका है इसमें। जैसे ही आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर दें, क्योंकि आपका रजिस्टर तो हो चुका है, अब आपको लॉगिन ही सिर्फ करना है, मतलब ITR फिल करना करने के लिए आपका एक रजिस्टर हो चुका है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं यदि आप ITR फिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ITR फिल करना चाहते हैं जब TDS आपका कटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, User ID में जैसा कि मैंने बताया कि आपको पैन कार्ड का नंबर होता है और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने सेट करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इधर लिखा हो जाता है फादर इज ये जो आपने चूज किया था, पासवर्ड आप डाल करके जो पासवर्ड अभी आपने सेलेक्ट किया था कंटिन्यू पे क्लिक कर दें फ्रेंड। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है। अब आपको देखना क्या है कि जो TDS आपका पैसा कटा था वो कितना कटा था या कितना अमाउंट आने वाला है, तो आपको कितना कटा था उतना ही अमाउंट आने वाला है। तो इसमें क्या है, ई फाइल पे आप जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करें, ये फिर इनकम फाइल दिखा हुआ, लेकिन फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS, तो आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आपके पास वो अमाउंट दिख जाएगा जो आपका डिडक्ट हो रहा था, मतलब TDS में जो कटा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द TDS CPC वेबसाइट टू व्यू फॉर्म 26AS। ये होता है कि आपका टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट है, आपका जो पैसा कटा था वो के लिए। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है। आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करें, आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, स्क्रीन पे दिखता है। आपको ये क्लिक करना है, क्लिक व्यू टैक्स फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स सेटलमेंट पे क्लिक करना है फ्रेंड। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास ये विंडो ओपन होकर के आता है, जिसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ईयर है आपका। जैसे कि मैंने 2023-24 सेलेक्ट किया था 2024, और व्यू एज HTML ही आप बेसिकली सेलेक्ट करें, और व्यू डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके बाद इस तरह का विंडो आ जाएगा आपके सामने। इस तरह का आएगा कि टोटल आपको अमाउंट इतना मिला था और टैक्स जो कटा था आपका इतना कटा था, तो 1,02,000+ रुपया क्रेडिट हुआ था अमाउंट इन द मतलब जैसे भी कोई भी प्रोसेस या कोई भी सोर्स हो सकता है इनकम का, जो हमें इतना टोटल मिला था लेकिन जो टैक्स कटा था तो 5,117 रुपये का कटा था, और यही अमाउंट हमें ITR फिल करके पाना है, मतलब अपने अकाउंट में लाना है इसे। तो इसमें ये मैंने इस पर कर दिया, टोटल टैक्स डिडक्टेड पे आ चुका है कि ये अमाउंट दिख चुका है हमें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको करना क्या फ्रेंड, ये तो हमारे पास दिख चुका लेकिन फिल करें मतलब अप्लाई कैसे करेंगे, तो जो विंडो पे थे मैं वही विंडो पे जाता हूँ कि ये विंडो आप देख सकते हैं, इस पे ITR का जो आप इनकम टैक्स का है, ई फिलिंग का है जो साइट है, ये दिख चुका है लॉगिन करने के बाद। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो मैं तो यहाँ पे बता रहा था ई फाइल पे आप जा करके चेक कर सकते हैं, तो वो दूसरा विंडो ओपन हो जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका TDS कितना कटा और कितना मिलने वाला है। लेकिन आपको इसमें क्या है कि आपको फाइल करना है कैसे, तो फाइल के लिए ऑप्शन यहाँ दिख भी जाता है स्क्रीन पे, आप ये फाइल नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे ही फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं आपके पास ITR लिखा हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न ITR, ये करेंट ईयर जो सिलेक्ट करना होता है ईयर, तो ईयर तो है कि पहले आप इसी लास्ट प्रीवियस ईयर का सिलेक्ट करें जो ITR फिल होगी, तो यहाँ पे करेंट ईयर का लिखा होता है और आपको 2023-24 जैसे कि अभी 23 चल रहा है तो 2023-24 ही सिलेक्ट करना होता है, ताकि जो प्रीवियस जो कटा था अमाउंट वो आपके पास आए। तो यहाँ पे आपको ITR फिल करने के लिए 2023-24 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ऑनलाइन रिकमेंडेड है तो ऑनलाइन ही हम अप्लाई करेंगे फ्रेंड इसमें। जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न हो गया है, एनी चेंजेस विल बी 30 मिनट टू रिफ्रेश, इस तरह का ऑप्शन है कि 30 मिनट के अंदर में आप इसको फिल कर दें तो बेहतर है। इसमें अभी कोई ड्राफ्ट सेव नहीं है, मतलब मैंने अभी तक कोई भी अप्लाई नहीं किया, ना ही मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट मैंने पेंडिंग में रखा है, तो अभी तक नहीं दिख रहा है कुछ भी इसमें। बट स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करेंगे आप, क्योंकि हमें फिलिंग करना है, फर्स्ट टाइम हम फिल कर रहे हैं, ITR फाइल कर रहे हैं इसमें, तो फाइलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन आता है कि आप इंडिविजुअल है या GUF है या अदर्स है, तो इंडिविजुअल के लिए मैंने जैसा सेलेक्ट किया था, मैं खुद अपने इंडिविजुअल के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है कि यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड, तो ITR 1 हमें ITR 1 फिल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम हमारा, और तो हम ITR फर्स्ट ही फाइल करेंगे इसमें, तो ITR जो कैटेगरीज होता है फ्रेंड,
क्या टीयर वन कब फिल कर सकते हैं, क्या इनकम ऑफ सोर्स है आपका तो आई टी आर वन है, क्या इनकम ऑफ सोर्स है तो आई टी आर टू, तो अलग अलग इनकम ऑफ सोर्स या इनकम कितना आपका हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही ये है। तो आई टी आर वन है कि जो आपको लिमिटेड जो इनकम ऑफ सोर्स है वो 2.5 लाख है या 2.5 लाख से मतलब कम है तो आपको ये फिल कर सकते हैं। तो ये फाइल हम करेंगे इसमें आई टी आर वन पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे हम अपना। जैसे सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड आपको ऑप्शन आ जाएगा नीचे प्रोसीड विद आई टी आर वन, हमने सेलेक्ट कर लिया है प्रोसीड विद आई टी आर वन, प्रोसीड विद आई टी आर वन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे फ्रेंड कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि एक ऑप्शन आ जाता है कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंस अदर हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीड एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो कुछ डिटेल होती हैं बट आपको आगे बढ़ना है इसमें। लेट्स गेट डिटेल पे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है इसमें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इसके लिए तो जो प्रोसेस बताया हुआ है कि वैलिडेट ये सारी डिटेल आपकी वेरीफाई सबमिट होगी आगे में, तो लेट्स गेट डिटेल पे सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, प्लीज एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आपके पास ये ऑप्शन है सबसे लास्ट अदर्स का, तो अदर्स को ही आप सेलेक्ट करें। अदर्स पे जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके बाद कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक कर दें। तो कंटिन्यू बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है, अब इस तरह का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, तो कि आपका ये प्रोसेस प्लीज कंफर्म द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्टेड टू प्रोसीड यू, तो हर सेक्शन को अपना क्लिक करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने यहाँ पे फ्लीट सेलेक्ट कर दिया सारी डिटेल, अब जब भी सेक्शन आएगा तो 3-4 सेक्शन है जिसमें आपको हर बार जाकर के वेरीफाइड करना पड़ेगा। क्या है इसमें कोई बड़ा काम है नहीं, बहुत ही ईजी काम है आपको फिलअप करने के लिए। यहाँ पे मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया, जैसे ओके बटन पे क्लिक कर दिया देख सकते हैं ये फ्रेंड 4 कैटेगरी है। एक तो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको वेरीफाइड करना होगा, ग्रॉस टोटल इनकम वो वेरीफाई करना होगा, टोटल डिडक्शन कितना डिडक्शन हुआ तो उसको डिटेल फिलअप करके वेरीफाई करना पड़ेगा, टोटल टैक्स जो पेड होता है वो, तो अब हमारा मैंने बताया था ₹5,117 दिखा रहा था इसमें। तो और अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें फिलअप करना है डिटेल, तो हमें पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे जाकर के क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करते हैं मतलब इस एरो बटन पे, तो आपका ये विंडो ओपन हो जाता है जिसमें आपकी डिटेल होती है जो कि वेरीफाइड है। तो आपको प्लीज पहले ये होता है कि वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैंने जैसा बताया था वही आता है। आप देख लें, चेक कर लें कि पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारी डिटेल सही है कि नहीं। सब जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखेंगे फ्रेंड एक बैंक डिटेल है जिसमें आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जब TDS कटता है वो ITR फाइलिंग करते हैं तो पैसे आते हैं, तो वो अकाउंट किस अकाउंट में आएगा, तो अभी तक है नहीं इसमें फिलअप, तो मैं अकाउंट ऐड कर देता हूँ, ऐड अनदर पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके फ्रेंड ऑप्शन आ जाता है इस तरह का बैंक का डिटेल फिलअप करने का, जैसे बैंक डिटेल है आपको यहाँ पे आपका बैंक डिटेल डालें या कन्फर्म करें, इसमें सेविंग बैंक है, करेंट बैंक है, कोई भी आपका डिटेल अकॉर्डिंग टू आपका जो है बैंक वो आप सेलेक्ट कर लें, इसमें किस तरह का अकाउंट है आपके बैंक में तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद प्राइमरी पे सेलेक्ट कर दें फ्रेंड, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट तो है नहीं वो आपका, यदि ज्वाइंट है तो ज्वाइंट पे क्लिक करें। IFSC कोड है वो IFSC कोड डालें। जैसे आप डिटेल डालते हैं यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाती है, बैंक का नेम हो जाता है, ब्रांच नेम हो जाता है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाता है। आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है फ्रेंड, जैसे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं आपके पास ये सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और आप इस पे क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सो जो कुछ डिटेल होती है आपका फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम है, पैन कार्ड हो, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर हो, एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, ये सारी आती हैं। आपको सबसे नीचे लिखा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लें। अदर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जो स्क्रीन है वो दिखता है आपके नीचे जब आते हैं स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड याद देने वाली बात है कि आर यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है फ्रेंड, ऑप्टेड नहीं है तो इसमें नो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें आपको लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इज फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, तो आप रिस्पॉन्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नो लिया है, नो करते ही आपके पास इस तरह का डिटेल आ जाता है, जैसे कि मैंने बैंक में जब डिटेल फिलअप करते हैं तो यहाँ पे उसको ओके करना पड़ता है, सिलेक्ट फॉर रिफंड, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे ब्लू हाईलाइटेड हो जाता है। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर दें, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर दिखता है, मतलब आपके लिए वैलिडेट रिटर्न आपने कर दिया है, कन्फर्म योर रिटर्न या जो भी पर्सनल डिटेल है ये सारी आपने फिलअप नहीं किया। तो ये तो मेन है,
उसके मेंस मतलब मेन टाइटल जिसे बोलते हैं, उसके पास सब टाइटल जिस तरह का होता है वो, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में है अभी, तो वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। तो आपको यहाँ पे हमने देख सकते हैं फ्रेंड, ये हो चुका है, फिलअप हो चुका है। मॉडिफाई इफ़ रिक्वायर्ड, तो हमारा ये फर्स्ट स्टॉप जो ऑप्शन था ये हाईलाइटेड दिख रहा है, इसका मतलब हो चुका है हमारा, और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। ग्रोस टोटल इनकम अप करना है हमें, दूसरा ऑप्शन स्टेप है। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रोस टोटल है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड, जैसा कि लिखा हुआ प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन, मॉडिफाइड लिखा हुआ है तो ये हो चुका है, प्रोवाइड है तो अभी आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन हो जाता है, दिख जाता है, जिसमें कुछ डिटेल आपकी मांगी जाती है। तो हमें हमारे पास डिटेल में है कि जो भी डिटेल हम मेरे से मैच कर रहा है वो नो ही है, तो हमने नो 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 पे सब पे क्लिक कर दिया है, कोई भी स्किप ना करें फ्रेंड इसमें, पहले तो बात याद रहे। मैंने नो नो करके करके कन्फर्म कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब हमारे पास कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ग्रोस टोटल इनकम सबसे नीचे में आए, आप कन्फर्म पे ऑप्शन आ जाएगा, आप कन्फर्म कर दें इसमें, जैसे मैंने कंटिन्यू पे किया था। अब कंटिन्यू पे डिटेल पे होते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि एक फाइनल रिपोर्ट में, हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो हम देख सकते हैं ये दो और स्टेप्स हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक तो ग्रोस टोटल इनकम हो चुका है। अब हमारे पास बचा हुआ है टोटल डिडक्शन और एक और है फोर्थ ऑप्शन। तो हमें टोटल डिडक्शन के लिए आपको यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन पे सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा डिडक्शन कितना है इसमें फिलअप करेंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेरा सूटेबल ऑप्शन है वो नो ही है इसमें भी, तो मैंने नो नो सेलेक्ट कर दिया सब पे। जैसे सेलेक्ट करके हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं फ्रेंड, इस तरह का कन्फर्मेशन डिटेल आता है कि वेरीफाई योर डिडक्शन। तो कोई यदि आपका LIC है या इंश्योरेंस है या कोई भी आपका पेमेंट होता है कहीं से, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं है तो मैंने टोटल डिडक्शन में जीरो लिखा है इसमें फ्रेंड, कन्फर्म है। यदि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, सारे में नो नो किया है, तो हमने यहाँ पे जीरो आ चुका है, कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, इस तरह का आप देख सकते हैं कि ये हमारा तीन ऑप्शन था वो जो पूरा हो चुका है, अब फोर्थ ऑप्शन है। तो हमें टैक्स पेड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो अमाउंट हमारे पास TDS में आता है, ये जो TDS में कटा था वो अमाउंट हमारे पास आएगा। अब हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया फ्रेंड, अब हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल। तो हमने यहाँ पे डिटेल सबमिट कर दिया है, सारी डिटेल आ चुकी है, अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको। यह ऑटोमेटिक फिल्ड होता है डिटेल, आपको सिर्फ कंफर्म पे क्लिक करना होता है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करते हैं, इस तरह का ऑप्शन आता है कि आपका ये देखो अभी हम टिक मार्क भी बना हुआ है, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, तो ये चार ऑप्शन हो चुका है। हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है टोटल टैक्स लेबिलिटी, तो लेबिलिटी के लिए है, तो हमारे पास लेबिलिटी के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, ये फाइनल पॉइंट है जहाँ पे हमें फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे सबमिट जैसे हम क्लिक करते हैं फ्रेंड, एक तरह का ऑप्शन डिटेल फिलअप आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट फी है या टोटल टैक्स है, हमें यहाँ सारे जीरो ही हैं, तो कोई हमें कुछ अपडेट नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें सिर्फ कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं, इस तरह का विंडो ओपन होकर के दिख जाता है आपका, ये टोटल सब में देख सकते हैं फ्रेंड, कन्फर्म कन्फर्म कन्फर्म, मतलब मैंने सारा डिटेल को वेरीफाइड करके कंफर्म कर दिया, सबमिट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल का भी है, थंब जो बना हुआ है, यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। अब हमें कुछ करना नहीं, इसमें प्रोसीड ऑप्शन है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ 5120 रुपीज। तो इस तरह का है, तो सारी डिटेल है, याद रहे फ्रेंड, यदि कोई प्रिंट ऑप्शन आता है आपके पास तो जरूर इसको प्रिंट करते रहें, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके पेज को डाउनलोड जरूर कर लें अपने सेव के लिए, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो आप सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये सारी डिटेल आ जाती है जो आपने डिटेल फिलअप किया था। चेक बॉक्स जो बना हुआ है उस पर क्लिक करें और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दें। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे कर दिया आपने, आपके सारे डिटेल जो आपने फिलअप किए थे सारे डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। फिर से ये डाउनलोड और प्रिंट ऑप्शन है फ्रेंड, तो याद रहे मैंने जैसा बताया, प्रिंट ऑप्शन आए तो प्रिंट ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना है आपको। प्रिंट पे प्रिंट जब सबमिट कर लेते हैं आप इसको, उसके बाद आपके पास इसमें ऑप्शन आता है जो डिटेल आपने फिलअप किया था एक वेरीफिकेशन के लिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड, इसमें एक मैंने शायद हमारा दो एरर आ चुका है जो हमने फिलअप नहीं किया है, स्किप कर दिया था उसे शायद, तो यहाँ पे अभी आप जा करके क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही जो एरर दिख रहा है
डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये डिटेल डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता है। तो हमने फिलअप नहीं किया था, इसमें 18D का फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ़ यू है आर इंडिविजुअल वट एवर यू हैव ऑन फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडेड पर्सन इज ए सीनियर सिटीजन, कोई सीनियर सिटीजन है तो नहीं है, तो हमने नो पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे भी हमने पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन तो नो पे क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे सेव पे ऑप्शन पे आगे जाते हैं तो फिर प्रोसीड वहीं पे चला जाता है बैक पे कि आपका वो डिटेल स्किप था या छूटा हुआ था तो आपने फिलअप कर दिया, तो फिर से एक वेरीफाइड विंडो होता है कि आप देख लें एक बार कोई चेंजेस तो नहीं करना है इसमें, यदि मॉडिफाई रिक्वायर्ड तो क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोसीड ही करना है। हमने सारा चीज़ चेक कर लिया, फिलअप हो चुका है तो प्रोसीड पे ही क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का फिर से वही प्रीव्यू बटन आ जाएगा प्रीव्यू रिटर्न के लिए। मैंने प्रीव्यू रिटर्न देख लिया है, हमारी सारी डिटेल सही है, प्रिंट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया प्रिंट ऑप्शन आए तो आप जरूर प्रिंट कर लें इस पेज को इन द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब उसके बाद ऑप्शन आ गया प्रोसीड टू वैलिडेट, प्रोसीड टू ये अब जो एरर आ रहा था वो एरर आया नहीं, प्रोसीड टू वैलिडेट पे कब क्लिक कर दें। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करते हैं अब ये एकदम फाइनल टच आने के लिए रेडी हो गया। तो अब ये जैसे प्रोसीड टू वैलिडेट पे वैलिडेट तो हो चुका है, आपका यहाँ वेरिफिकेशन वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, लिखा हुआ है नो एरर वेयर फाउंड। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं आपके पास ये ई वेरीफाई नाउ पे ऑप्शन आ चुका है। अब आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर था उसी पे OTP जाएगा, अब आपको यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पे करना है, यदि बाद में चाहता है बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन नाउ पे ही क्लिक करना है, नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं इसमें ऑप्शन आ जाता है ई वेरीफाई का, सारी डिटेल आपकी आ जाती है, आई वुड लाइक टू OTP दिस नंबर, यहाँ पे फिर आई वुड लाइक पे ही क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं एक ऑप्शन आ जाता है कि जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दें। अब आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर था वो OTP चला गया हुआ, आप वही OTP को यहाँ पे मेंशन करें, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर दें। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड इस तरह का एक ऑप्शन बनाकर आ जाता है कन्फर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब ये फाइनल आपने सारा चीज़ फिलअप कर दिया है, प्रीव्यू हो चुकी है, सबमिट हो चुका है, सिर्फ वेरीफाई और रिटर्न पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ रिटर्न ऑप्शन सबमिट बटन लिखा हुआ है, सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आके बना होके आ जाता है, आपका मोबाइल नंबर हो और आपका ईमेल एड्रेस, यू हैव सक्सेसफुली फाइल ए वेरीफाइड योर रिटर्न्स। अब आपको क्या करना है, आपका पूरी तरह से फिलअप हो चुका है, अब आप गो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो था इस तरह का विंडो ये ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे लिख देख सकते हैं फ्रेंड फाइल सक्सेसफुली हो चुका है, आपका ITR फिलअप कर चुके हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो में पूरी तरह से जानकारी मिली होगी फ्रेंड, मैं जहाँ तक कोशिश किया था आपको ये इस वीडियो के थ्रू समझाने का कि आप नॉर्मल ITR कैसे फिलअप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, लोग अदर से किसी से पैसे दे करके फिलअप करवाते हैं या कोई CA है या कोई भी ऑप्शन हो, बट यहाँ पे आपको जो ज़्यादा कोई ऐसा चीज़ तो मांगता नहीं है कि जो आपको नहीं आपके पास और किसी और के पास होगा, या आपको कोई डिटेल आपकी कोई बड़ा इसमें तो मांगा नहीं, एक पैन कार्ड डिटेल होती है, आपका एड्रेस डिटेल होता है, आधार होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, बैंक डिटेल होता है, ये दो चार चीज़ तो कंपलसरी ज़रूरत पड़ते ही है फ्रेंड। अब मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए, और ये फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियो मैंने डिटेल्ड वीडियो बहुत सारे अदर टॉपिक पर बनाए हैं, आधार से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, आप मेरे और भी वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें ताकि आप उनके लिए या किसी और के लिए हेल्पफुल हो पाए मेरा वीडियो जो बनाया है मैंने आपके लिए ITR फीलिंग के लिए और भी अदर टॉपिक पर बनाया है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू।